जो कि क्लासरूम 24/7, आप लोग ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, ये क्या है? और ये जो नाम है क्लासरूम 24/7, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब सर, एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा खटकता है, जब भी मैं सीपी को देखता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि आज सीपी के पास फैकल्टीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासरूम में हर चीज़ है, यानी कि ऑफलाइन चलाने के लिए हर चीज़ है, हर सुविधाएँ हैं, तब भी करियर पॉइंट ऑफलाइन क्लासेस क्यों नहीं लेके आ रहा है कोटा में? सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? तो आज हमारे साथ प्रमोद महेश्वरी सर हैं, जो कि सीईओ, फाउंडर, डायरेक्टर हैं करियर पॉइंट के। तो सबसे पहले कि सर ने अपने इस बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम टू माय चैनल। माय प्लेजर ऑलवेज टू बी ऑन योर चैनल। सर, जो कि क्लासरूम 24/7, आप लोग ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, ये क्या है? और ये जो नाम है क्लासरूम 24/7, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब है क्या ये, यही क्यों, अदर नाम क्यों नहीं? देखिए, क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं या कोई भी कंप्यूटर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो पूरा हार्ट एंड सोल लगा देते हैं उसमें। तो क्या कोई ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जिससे 24/7 वो खुद लगाते हैं, तो फिर क्लासरूम को भी 24/7 उनके साथ रहना चाहिए। तो इस कंसेप्ट को लेकर हमने एक पूरा सिस्टम बनाया कि किस तरीके से बच्चों को एक रेजिडेंशियल कैंपस में रखते हुए, जिसमें हॉस्टल भी है, स्कूल भी है, कोचिंग भी फैसिलिटी, और साथ में 24 घंटे सातों दिन मेंटरिंग करी जाए, सपोर्ट दिया जाए एकेडमिक और नॉन एकेडमिक, ताकि उसकी प्रिपरेशन स्मूथ चल सके और जो गोल उसने अपने लिए सेट करा है उस गोल को वो अचीव कर सके। तो इस कंसेप्ट से हमने क्लासरूम 24/7 बनाया, जिसमें सब कुछ लगातार हर दिन हर पल बच्चों को एक सहयोग दिया जाएगा, डायरेक्शन दिया जाएगा। सर, जो दूसरा सवाल है मेरा वो ये है, ऐसा जगह जहाँ पे एक ही जगह उनको सारा चीज़ें मिल जाए, तो सर ये जो क्लासरूम 24/7 उन स्टूडेंट को या उन पेरेंट्स को कितना बेनिफिट देगा जो कि एक स्कूल का तलाश करते हैं जहाँ पे कोचिंग और सब कुछ मिल जाए एक ही जगह पे? आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट करा है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल कोचिंग लेता है स्टूडेंट और हॉस्टल में रहता है, तो जो डेली ट्रांजिट होते हैं हॉस्टल टू कोचिंग टू हॉस्टल, देन हॉस्टल टू मेस, देन वापस हॉस्टल, या हॉस्टल टू कोई जनरल कन्वीनियंस का कोई सामान खरीदना है, टू बैक टू हॉस्टल, या डाउट काउंटर जाकर वापस हॉस्टल, इन सब में लगभग हमने कैलकुलेट करा कि स्टूडेंट 2.5 से 3 घंटा डेली अपने नॉन प्रोडक्टिव टास्क में निकाल देता है। तो अगर वो कैंपस में है, तो जैसे भी इस कैंपस में आप देखेंगे कि सब विद इन कैंपस है, यहाँ से आप हॉस्टल में जाने में आपको इट वॉन्ट टेक मोर देन 5 मिनट, स्कूल जाने में इट वॉन्ट टेक मोर देन 5 मिनट्स, कोचिंग में आने में, तो वो समय जो बच रहा है आपका लगभग 2.5 घंटा करीब आपका डेली बचता है, जो आप सेल्फ स्टडी में लगा सकते हैं। और वो जो सेल्फ स्टडी है वही आपको बाकी सबसे आगे लेके जाती है, क्योंकि कंपटीशन में आगे जाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए, प्रैक्टिस का टाइम चाहिए। तो ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, जैसे कि 24/7 में हमने ये बहुत फोकस करा है कि किस तरीके से स्टूडेंट का जो टाइम है मैक्सिमम यूटिलाइज करा जाए और उसका बेनिफिट स्टूडेंट उठा सके। सर, मेरा एक और सवाल है कि कई बार जो पेरेंट्स है वो थोड़ा कंसर्न रहते हैं, मतलब खासकर गर्ल चाइल्ड को लेकर, कि हम अपने बच्चों को घर से इतना दूर भेज रहे हैं तो सेफ्टी और सिक्योरिटी वाइज चीज़ें कैसी रहने वाली हैं। सपोज दैट हम इसी स्कूल का एग्जांपल ले लें, गुरुकुल का, तो यहाँ पे सेफ्टी वाइज अगर चीज़ों को देखा जाए तो कैसे सेफ्टी इंश्योर करते हैं, कैसे क्या, सर एज अ डायरेक्टर आप क्या सोचते हैं, यानी कि आप कितना प्रायोरिटी पे रखते हैं स्टूडेंट का सेफ्टी पे, इस पर कुछ आप पॉइंट बताएं। एक्चुअली जो स्टूडेंट्स की एज है ना, बड़ी टेंडर एज है, सेफ्टी सिक्योरिटी बिहेवियर, और जिसको हम बोलते हैं हमारी एक कॉमन लैंग्वेज में संगत, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और इन सबको आप इस, हमारा जो कैंपस है ये है तो 20 एकड़ में फैला हुआ, परंतु पूरा कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड कैंपस है, इसमें बच्चा बाहर नहीं जा सकता विदाउट परमिशन। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पूरा सीसीटीवी कैमरा से पूरा का पूरा हम इसको मॉनिटर करते हैं, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को वॉच करते हैं, तो 100% सेफ एंड सिक्योर है। 24 आवर्स यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, तो स्टूडेंट को बाहर जाना ही नहीं है, तो पूरा सेफ है, उसका बिहेवियर पूरा कंट्रोल है, वो अपनी मन मर्जी से एज सच उन कामों में नहीं लग सकता जो काम करने के लिए वो कोटा में नहीं आया है, उसको वही करना पड़ेगा जो ऑब्जेक्ट लेकर कोटा में आया। तो उस तरह से बहुत बहुत ज़रूरी है, और ये कैंपस भी बहुत अच्छा है। सर, मेरा एक और सवाल है कि कोटा में बहुत सारे बच्चे आते हैं, कोटा क्या मतलब कि ऑल ओवर इंडिया जहाँ जहाँ भी कोचिंग
मतलब कि कोचिंग में बच्चे जाते हैं जेई या नीट का तैयारी करने के लिए, चाहे वो कोटा हो, पटना हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, जो भी हो, सारे बच्चे सर सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। जेई नीट में ज़रूरी नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि जितने इश्योरेंस है उस हिसाब से सीट भी नहीं है। तो सर जिन इश्योरेंस का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हो पाता है, उन इश्योरेंस को आप क्या मैसेज देना चाहोगे या क्या मैसेज है आपकी तरफ से उन इश्योरेंस के लिए? देखिए, बिल्कुल सत्य है कि सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो सकते, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपके चैनल के थ्रू आपके ऑडियंस को मैं अवेयर करना चाहूँगा कि आईआईटी और मेडिकल के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आज हैं, और उन ऑप्शंस पर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा करियर वहाँ से बना सकते हैं। गुरुकुल में हमने इसको रखा हुआ है, हम बच्चों को उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से गाइड करते हैं, उनको हम आईआईटी मेडिकल की तैयारी कराते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इंडिया से बाहर जाके पढ़ना चाहता है तो हम स्टडी अब्रॉड का पूरा गाइडेंस और उसको सपोर्ट देते हैं। हमने कॉमर्स के बच्चों के लिए भी यहाँ पे कैंपस में फैसिलिटीज़ हैं, साथ में अगर इंडिया की बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनके लिए भी उनको गाइड करते हैं। और ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं, अगर आप थोड़ा सा अवेयर रहें तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो कैरियर पॉइंट गुरुकुल के अंदर हमारा एक फोकस हो रहा है कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है उसको एक सक्सेसफुल करियर देना है। उसका जो टारगेट है आईटी मेडिकल या स्टडी अब्रॉड या सीएसईपीटी, वो उसका फर्स्ट लाइन टारगेट है, वो पूरा करना है। और प्लान बी पर हम हमेशा फोकस करते हैं कि अगर वो नहीं बना तो प्लान बी उसका जरूर बनना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा करियर लेकर यहाँ से जा सके। सर एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा खटकता है, जब भी मैं सीपी को देखता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि आज सीपी के पास फैकल्टीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासरूम में हर चीज़ है, यानी कि ऑफलाइन चलाने के लिए हर चीज़ है, हर सुविधाएँ हैं, तब भी कैरियर पॉइंट ऑफलाइन क्लासेस क्यों नहीं लेके आ रहा है कोटा में? मुझे एक बार आपको करेक्ट करने दीजिए, हम ऑफलाइन क्लासेस कोटा में चलाते हैं, परंतु हम सिर्फ गुरुकुल कैंपस में चलाते हैं, हम उसको सिटी कैंपस में या जिसको बोलते हैं बिल्डिंग में नहीं चलाते। रीज़न बीइंग, हमें ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल सोच है, कि जो बच्चे आते हैं कोटा में अगर वो फोकस होकर पढ़ें, उनको कहीं ना कहीं हॉस्टल लेना है, कहीं ना कहीं स्कूल में एडमिशन लेना है, उनको कोचिंग की तैयारी करानी है, तो अगर ये सारी सर्विसेज उनको एक ऐसे कैंपस में मिले जहाँ पर स्पोर्ट फैसिलिटी, एकेडमिक फैसिलिटी या स्कूल फैसिलिटी है, उनको 24/7 गाइडेंस है, मेंटरिंग है, तो इससे बड़े ऑफलाइन कहाँ पर हो सकता है? तो थोड़ा लोग सोचते हैं कि हम ऑफलाइन नहीं चलाते, इसको करेक्ट करूँगा, हम इसको हमारे सीपी टावर बिल्डिंग में ऑफलाइन नहीं चलाते, हम सारी ऑफलाइन क्लासेस हमारे गुरुकुल कैंपस में चलाते हैं, और ये ऑफलाइन ही है पूरा का पूरा। और कंसर्न मेरा ये है, क्योंकि मैंने देखा है कि किस तरीके से बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे भी सेलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि दे डोंट गेट द मेंटरिंग एंड डायरेक्शन टाइमली इन ओपन एनवायरनमेंट, तो वो दिक्कत आती है, इसलिए हम यहाँ पे गुरुकुल में चलाते हैं। और आपको बताओ तो मेरे पास गुरुकुल की फैसिलिटी आप देख ही रहे हैं, मैं यहाँ पे कम से कम 1500 बच्चों को अकोमोडेट कर सकता हूँ, तो मुझे जब तक मेरे पास गुरुकुल है तब तक मुझे सीपी टावर में क्लास चलाने की आवश्यकता मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल एनवायरनमेंट में बच्चों के साथ मेहनत कर सकता हूँ। ये रहा पॉइंट, एक्चुअली मेरे दिमाग में हमेशा से ये रहता था कि सीपी टावर में ऑफलाइन क्लासेस क्यों नहीं लगती है, तो यानी कि ऑफलाइन लगती है लेकिन वो स्कूल में लगता है। और सर एक तरह से और एक्सपैंड करना चाहते हैं इस स्कूल का जो कल्चर है, ताकि और बच्चे आएँ और यहाँ पे एक ही जगह में उन्हें सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए, राइट सर? मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप करियर पॉइंट गुरुकुल स्कूल ज़रूर विजिट करें, यूनिवर्सिटी भी हो तो एक बार आएँ कोटा तो विजिट करें, देखें यहाँ पे। मैंने हालांकि पहले भी वीडियो बना रखा है, मैं और सर हम लोग साथ में ही हमने 360 टूर भी करा था स्कूल का, तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दे दूँगा, तो आप एक बार ज़रूर चेक करें, देखें आप जो करियर पॉइंट गुरुकुल का जो कैंपस है वो कैसा है। तो ये रहा एक छोटा सा इंटरव्यू सर के साथ, होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये क्लासरूम 24/7 क्या है, और सर ने अपना प्रीसियस टाइम में से टाइम निकाल के हमें दिया, उसके लिए वंस अगेन थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड।